फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी डॉट कॉम, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है वोकैब 24 के बारे में, इसे डाउनलोड करिए फ्रेंड्स और अपनी प्रिपरेशन को शार्प कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, ताकि हम आपको ऐसे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, जहां 2048 स्टूडेंट को मिल रहा है 25% ऑफ कूपन कोड यूज करने पे POST25। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप टेस्ट सीरीज, SSC, बैंकिंग सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर आपको SSC के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप wifistudy.com/SSC टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ में अगर आपको बैंकिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो wifistudy.com/banking टाइप करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर और अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। आप सभी के लव एंड सपोर्ट से जो वोकैब 24 इसके 9 लाख डाउनलोड हो गए हैं फ्रेंड्स। ओके, 9 लाख डाउनलोड हो गए हैं, और ऐसे इसको डाउनलोड करते जाइए, अपने फ्रेंड को सजेस्ट जरूर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके वोकैब 24 ऐप के साथ में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। रेमिनिसेंट आज का अपना पहला वर्ड है, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग। ओके, यानी कि कोई अगर किसी की प्रीवियस की याद दिलाता है, आपको बचपन याद आता है, उसको रेमिनिसेंट कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, इवोकेटिव, रिमाइंडफुल, रिडोलेंट, ब्रिंगिंग टू माइंड, और एंटोनिम्स है फॉरगेटफुल या फिर ओब्लिवियंस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एज जेसन ग्रू ओल्डर ही स्टार्टेड टू एग्जिबिट बिहेवियर्स ऑफ माय मदर सेड वर रेमिनिसेंट ऑफ आर डिक्रीट फादर पर्सनैलिटी। यानी कि जैसे ही जेसन बड़ा हुआ तो उसके बिहेवियर से उसके मदर को उसके फादर की याद आने लगी। रिलेटेड वर्ड देखते हैं, रेमिनिसेंस यानी कि स्मरण। ओके, स्मरण। अब देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन, रेमिनिसेंट यानी कि रिमेम्बरिंग। ओके, रिमेम्बरिंग और रेमिनिसेंट, देखिए दोनों एक जैसे वर्ड हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, ये मिनी साइज की टी शर्ट देख कर रेमिनिसेंट आती है बचपन की। तो देखिए, ये मिनी, यहाँ पे मिनी लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मिनी साइज की टी शर्ट देख के मुझे याद आती है मेरे बचपन की, क्योंकि ये मेरे बचपन की टी शर्ट थी। ओके, तो मैं किस तरीके से इसे याद कर रहा हूँ कि ये मिनी साइज की टी शर्ट देख कर रेमिनिसेंट आती है बचपन की। रेमिनिसेंट यानी कि याद आती है बचपन की। ओके, तो कभी भी याद आना बचपन का, कोई भी पुरानी चीज़ का, उसको अपन रेमिनिसेंट कहते हैं। सेकंड वर्ड देखते हैं, जेलस। जेलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शोइंग और फीलिंग स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक सपोर्ट फॉर ए पर्सन, कॉज एक्सेट्रा, उत्साही या फिर जोश से। ओके, देखिए, अगर ये जील होता है वैसे तो, ओके, ये जील होता है और ये जेलस होता है, तो आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखना है। सिनोनिम देखते हैं, फर्वेंट, अर्डेंट, फर्विड, पैशनेट, डिवोट या फिर फनाटिकल। तो यहाँ पे फर्वेंट, अर्डेंट, फर्विड, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। एंटोनिम देखते हैं, एपेथेटिक, इंडिफरेंट या फिर डिसपैशनेट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द जेलस मिशनरी टॉक्स अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ ही एक्चुअली ग्लोज विथ एंथुजियाज्म। ओके, यानी कि जो जेलस बहुत ही उत्साही जोश मिशनरी ने बात कर रहा था रिलीजन बिलीव के लेके, ओके, उससे उसका एंथुजियाज्म ग्लो कर रहा था। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड, जील यानी कि उत्साह, और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से, जेलस से, जेलस यानी कि जील यानी कि उत्साह, जोश, उसको अपन कहते हैं जील। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। ये कौन सी, पैंगोंग लेक है इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के वहाँ पे, JNK के अंदर। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अस इस झील को पार करने में जेलस है। ओके, जेलस है, तो अस इस झील को पार करने में क्या है, जेलस है, जेलस यानी कि उत्साही है। ओके, तो कोई ऐसा स्विमर है जो इस झील को पार करना चाहता है, इस लेक को पार करना चाहता है, तो क्या बोल रहा है वो कि मैं इस झील को जेलस करना चाहता हूँ। ओके, यानी कि उत्साह से इसको पार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि अस इस झील को पार करने में जेलस है, यानी कि अस इस झील को पार करने में उत्साही है। ओके, बहुत ही जोश है हमें झील को पार करने में। तो झील और जेलस, इस तरीके से अपन इसको लेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने डिराइड। डिराइड एक वर्ब है जिसका मतलब है एक्सप्रेस कंटेंप्ट फॉर, टू सब्जेक्ट, टू बिटर रिडिक्यूल, उपहास करना। तो किसी का मजाक उड़ाने को अपन डिराइड कहते हैं। ये वर्ड अपन ने कुछ दिन पहले भी कवर अप किया था। सिनोनिम देखिए, रिडिक्यूल, मॉक, जीर एट, स्कॉफ एट, जाइब एट, मेक फन ऑफ, और एंटोनिम्स एडमायर, कंप्लीमेंट, प्रेज या फिर रेस्पेक्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इफ द पुलिस डू नॉट इंटरवीन, द फैंस ऑफ द विनिंग टीम विल डिराइड द लूजिंग प्लेयर्स एज दे लीव द एरिना। यानी कि अगर पुलिस इंटरवीन नहीं करती तो फैन जो थे विनिंग टीम के, वो बहुत ही मजाक उड़ाने वाले थे जो लूजिंग टीम है उनका। वह फॉर्म देखते हैं, डिराइड, डिराइडेड एंड डिराइडेड। रिलेटेड वर्ड क्या है, डेरिजन। डेरिजन और डिराइड, देखिए दोनों एक ही वर्ड से रिलेटेड है, तो उसका भी मतलब क्या है, मॉकरी। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, इतनी आसान ट्रिक है कि आप कभी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। देखिए, राइड करते हुए गिर गए तो लड़कियों ने डिराइड किया। तो अगर आप राइड करते हुए गिर गए हैं, जैसे कि अगर कोई स्टंट मार रहा है बाइक के ऊपर, व्हीली कर रहा है,
एक टायर के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है बाइक को, ठीक है, एक टायर पे चलाने की कोशिश कर रहा है, और इतने में अगर ये गिर जाता है तो आसपास में क्या होता है कि सब इसके मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि राइड करते हुए गिर गया तो लड़कियों ने डिराइड किया, यानी कि मजाक उड़ाया। नेक्स्ट है सिडिशन। सिडिशन एक नाउन है जिसका मतलब है इंसरेक्शन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, द क्राइम ऑफ सेइंग, राइटिंग और डूइंग समथिंग दैट एनकरेजेस पीपल टू डिसओबे द गवर्नमेंट। राजद्रोह, तो कभी भी किसी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात बोलना, लिखना, ओके, डिसओबे करना, उसको सिडिशन कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, एजिटेशन, रिवोल्ट या फिर इंसरेक्शन, और एंटोनिम्स ऑफ ओबीडियंस या फिर सबमिशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द रिबेलियन वर अरेस्टेड फॉर सेडिशन व्हेन दे प्रोटेस्टेड आउटसाइड ऑफ द डिक्टेटर पैलेस। ओके, यानी कि जो रिबेल्स थे वो उनको अरेस्ट कर लिया गया राजद्रोह की वजह से, क्योंकि वो डिक्टेटर के पैलेस के बाहर धरना दे रहे थे। ओरिजिन देखिए, लैटिन वर्ड से ही है सैडिटियो, यानी कि सेपरेट करना कोई चीज़ को। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, सैड है जनता इसलिए उन्होंने सेडिशन किया। तो देखिए, अगर किसी देश की जनता है वो बहुत सैड है तो क्या वो सेडिशन नहीं करेगी? ओके, यानी कि वो राजद्रोह नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। ओके, वो कुछ भी कर सकती जनता, अगर जनता सैड है तो। ऐसा होता भी है कई सारे मिडिल ईस्ट नेशंस में, ऐसा होता भी है। जैसे कि कुछ साल पहले अन्ना आंदोलन के टाइम पे कांग्रेस के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा था, सेडिशन। ओके, तो सैड है जनता इसलिए उन्होंने सेडिशन किया। तो सैड और सेडिशन, इन दोनों को रिलेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना सेक्टिमोनियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मॉरल सुपीरियर टू अदर पीपल, हाइपोक्रिटिकली पाइवस और डेवाउट, दिखावटी तौर पर नैतिक चीजें। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नैतिक चीजें कर रहा है लेकिन दिखावटी तौर पर कर रहा है, तो उसको अपन सेक्टिमोनियस कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं इसके, होलियर देन थियो, फेरासियोक, हाइपोक्रिटिकल या फिर पियटिस्टिक, और एंटोनिम्स इसके मॉडेस्ट, मीक या फिर फोर्थराइट। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्ड। देखते हैं इसका एग्जांपल, माय सेक्टिमोनियस एंट टेंस टू लुक डाउन अपॉन पीपल हु डू नॉट गो टू द चर्च एवरी संडे। यानी कि जो मेरी दिखावटी आंटी है वो लोगों को बड़ी अजीब नज़र से देखती है अगर वो कोई भी संडे को नहीं जाता है तो चर्च। लेटर वर्ड क्या है? सेक्टिमोनियसनेस, यानी कि दिखावटी नैतिकता। और इसका ओरिजिन कहाँ से? लैटिन से इसका ओरिजिन, लैटिन वर्ड से सेक्टिमोनिया। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, सेंटी होने का सेंटिमोनियस करते हैं कुछ लोग। तो देखिए, ये एक ओल्ड एज पीपल, एक बुजुर्ग आदमी है जो कि यहाँ पे गिर गए थे। तो देखिए, ये पर्सन तो पुलिस ऑफिसर जैसे लग रहे हैं, तो ये तो जेन्युइनली मदद करने आए थे, लेकिन ये पर्सन जेन्युइनली मदद करने नहीं आए। ओके, तो ये दिखावटी तौर पर अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्टिमोनियस कहते हैं। देखिए, सेंटी होने का, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेंटी होने का, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का ड्रामा करते हैं, तो सेंटी होने का सेंटिमोनियस करते हैं कुछ लोग। सेंटिमोनियस यानी कि दिखावटी तौर के ऊपर नैतिकता दिखाना। सबअल्टर्न, सबअल्टर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि लोअर स्टेटस की हो, अधीनस्थ है। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि सभी के अंडर काम करता है, ओके, सबसे नीचे वाली जो पोजीशन है वो उसी की है, तो उसको अपन सबअल्टर्न कहेंगे। सिनोनिम देखिए, इन्फीरियर, सबऑर्डिनेट, सेकंड फीडल या फिर सबसर्वियंट, और एंटोनिम से चीफ, सुपीरियर, मेजर या फिर वाइटल। देखते हैं इसका एग्जांपल है, सबल्टन इज नेवर प्रोवाइडेड एन अथॉरिटी टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो सबसे नीचे वाले लोअर स्टेटस वाले जो पोजीशन होती है उसको कभी भी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से ही है, सब यानी कि नेक्स्ट बिलो, और अल्टर यानी कि ई एवरी अदर। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, सबके अंडर काम करने वाला सबल्टन होता है। तो देखिए, जो सबके अंडर काम करेगा तो कैसा होगा? सबअल्टर्न होगा। तो सबके अंदर सबअल्टर्न, देखिए कितने ज़्यादा सिमिलर से वर्ड हैं, और इस तरीके से अगर आप इसको एक या दो बार भी यूज़ करेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। कॉमिटी, कॉमिटी एक नाउन है जिसका मतलब है कर्टेसी। ओके, कर्टेसी एंड कंसिडर्ड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। तो शिष्टता का जो बिहेवियर होता है, जो अच्छा बिहेवियर होता है, उसको अपन कॉमिटी कहते हैं। सिनोनिम देखिए, हारमनी, कंपैटिबिलिटी, कॉनकॉर्ड, कर्टेसी या फिर मॉरल बिहेवियर। एंटोनिम्स से डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, इलविल, डिसलाइक या फिर हेट्रेड। नाउ लेट्स एग्जांपल, अ टीम मस्ट बी कैरेक्टराइज बाय कॉमिटी। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स, ये कॉमिस, कर्टियस से ये इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। कपिल शर्मा की कॉमेडी में कॉमेटी होती है। तो देखिए, कॉमेडी और कॉमेटी कितने ज़्यादा सिमिलर से वर्ड है। तो आपने हमेशा देखा होगा कपिल शर्मा शो में हमेशा शिष्टता बनी रहती है, यानी कि कभी भी ऐसे कोई अडल्ट जोक या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है जो कि आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हो। ओके, तो इसके शो में हमेशा क्या होती है? एक हार्मनी क्रिएट रहती है, कर्टेसी, मॉरल बिहेवियर हमेशा इंक्लूड रहता है। इस तरीके से अपन कॉमेडी को कॉमेडी वर्ड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि कपिल शर्मा की कॉमेडी में कॉमेडी होती है, यानी कि अच्छा बिहेवियर होता है।
नेक्स्ट वर्ड अपना क्लॉक। क्लॉक एक नाउन है जिसका मतलब है समथिंग सर्विंग टू हाइड और डिस्गाइज समथिंग। तो कोई भी चीज़ का आवरण कर लेना, उसको आड़ में छिपा लेना, जैसे कि बुरखा पहनते हैं तो पूरी बॉडी छिप जाती है, छुपा लेना उससे, उसको अपन क्लॉक कहते हैं। सिनोनिम देखिए, कवर, कैमोफ्लेज, शील्ड, वेनीर, वेल, या फिर मेंटल, या फिर श्रॉड। तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फर्स्ट तो ये, उसके बाद में लास्ट वाला वेनीर भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में श्रॉड। अब देखते हैं इसके ट्रिक। ओके, क्लॉक क्या, कुछ नहीं दिखता क्लॉक में। तो देखिए क्लॉक क्या दिखेगी, जैसे कि अगर आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है तो ऐसी ड्रेस के अंदर क्या क्लॉक दिखेगी। ओके, तो इसको मतलब क्या हुआ कि क्लॉक क्या, कुछ नहीं दिखता क्लॉक में। तो क्लॉक यानी कि एक ऐसी ड्रेस जिससे पूरी बॉडी ढक जाए। तो देखते हैं पहले इसका एग्जाम्पल। द रॉबर्स वोर लार्ज कोट्स टू क्लॉक देयर वेपन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड। यानी जो रॉबर होते हैं, चोर होते हैं, वो बहुत ही लार्ज कोट पहनते हैं ताकि अपनी जो वेपन्स हैं उनको आड़ में छिपा लें सिक्योरिटी गार्ड से। ओके, वर्ब फॉर्म्स क्या है, क्लोक, क्लोक्ड एंड क्लोक्ड, और क्लोक का मतलब हाइड, कवर, या फिर डिस्गाइज करना, छिपाना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, बल्ज। बल्ज एक नाउन है जिसका मतलब है एन अनयूजुअल टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर और साइज, अस्थायी वृद्धि। तो जो अस्थायी वृद्धि है, एकदम से कोई चीज़ बढ़ जाना साइज में, नंबर में, उसको अपन बल्ज कहते हैं। सिनोनिम देखिए, सर्ज, अपराइज, राइज, इंक्रीज, एस्केलेशन, बूस्ट, या फिर इंटेंसिफिकेशन, और एंटोनिम से रिडक्शन, या फिर शॉर्टफॉल। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ लो सप्लाई एंड हाई डिमांड देर इज अ बल्ज इन द प्राइस ऑफ नेचुरल ऑयल। यानी कि लो सप्लाई और हाई डिमांड की वजह से एकदम से प्राइस बढ़ गया है नेचुरल ऑयल का। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बल्कि हो गया, बल्ज हो गए, तो बल्कि हो गया, ये देखिए पहले ये पर्सन थे और एकदम से बाद में ये बन गए, तो ये क्या हो गए, बल्कि हो गए। किस तरीके से, बल्ज हो गए, यानी कि एकदम से इनकी वृद्धि हुई इनके वेट के अंदर। तो बल्कि और बल्ज, देखिए दोनों के तरह सिमिलर से वर्ड है, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि बल्कि हो गया, बल्ज होके, बल्ज यानी कि वृद्धि होके एकदम से। और आज का अपना लास्ट वर्ड है असिमिलेशन। एक नाउन है जिसका मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिमिलर टू समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब है अनुकूलता। सिनोनिम देखते हैं इसके, अडॉप्शन, टेकिंग इन, या फिर एक्लट्रेशन, और एंटोनिम से रिपल्जन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। बिकॉज आई एम नॉट गुड विथ मैथ आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू असिमुलेट मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री फॉर्मूलाज। यानी कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है अडॉप्ट करना अपने आप को ज्योमेट्री फॉर्मूलाज के अंदर। और इसके वर्ब फॉर्म्स देखिए, असिमुलेट, असिमुलेटेड एंड असिमुलेटेड। लेटेड वर्ड क्या होगा, असिमुलेट ही होगा, यानी कि टू लर्न समथिंग सो दैट इट फुली अंडरस्टूड एंड कैन बी यूज्ड। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही असिमुलेट, यानी कि ऑब्जर्व करना, इनकॉर्पोरेट करना। अब देखते हैं इसके ट्रिक। सिमिलर लोग असिमुलेशन कर लेंगे, तो देखिए जो लोग सिमिलर होते हैं ना वो असिमुलेशन कर ही लेते हैं। ओके, यानी कि यूज टू होना, हैबिचुअल होना किसी चीज़ का, ठीक है, अडॉप्ट होना। तो जो सिमिलर लोग हैं वो असिमुलेशन कर लेंगे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त, अगर आप दोनों एक दूसरे जैसे के जैसे ही हो इसीलिए आप दोस्त हो, तो आप क्या हो, सिमिलर हो, इसलिए क्या कर लोगे, इजीली अडॉप्ट कर लोगे। कभी भी अगर आपको कहीं बाहर जाना है, ओके, कहीं ट्रैवल पे जाना है, तो आप एक दूसरे की जो कंडीशंस है या फिर जो चीज़ें हैं उनको इजीली अडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि आप सिमिलर लोग हो। तो इसीलिए तरीके से अपन सिमिलर को क्या कर सकते हैं, असिमिलेशन से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। सो फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार डिस्कस करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड था रेमिनिसेंट, यानी कि ये मिनी साइंस के टी शर्ट देखकर रेमिनिसेंट आती है बचपन की, यानी कि याद आना। अस इस झील को पार करने में जीलियस है, यानी कि बहुत ही जोश से उत्साही है। राइड करते हुए गिर गया तो लड़कियों ने डिराइड किया, यानी कि मजाक उड़ाया। सैड है जनता, इसलिए उन्होंने सिडिशन किया, यानी कि विद्रोह किया। सेंटी होने का सेक्टिमोनियस करते हैं कुछ लोग, यानी कि दिखावा। सबके अंदर काम करने वाला सबअल्टर्न होता है, यानी कि सबसे लोअर क्लास जो स्टेटस है वो वाली जॉब। कॉमेडी, कपिल शर्मा की कॉमेडी में कॉमेडी होती है, यानी कि शिष्टता होती है। क्लॉक क्या, कुछ नहीं दिखता क्लॉक में, यानी कि किसी भी कोई ऐसा आवरण है, आड़ है, जो कि बड़ा कपड़ा है, उसको अपन क्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है बल्कि हो गया, बल्ज होके, यानी कि एकदम से बढ़ना। और सिमिलर लोग असिमिलेशन कर लेंगे, यानी कि अडॉप्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने आपसे मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था, यानी कि सिनोनिम हमने आपसे पूछा था वेका डूडल का। इसका सही आंसर है इसेंट्रिक। ओके, कई लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, और इसका आंसर सी है। और इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहला मतलब तो इसका होता है जो कि सेंटर में नहीं होती है कोई चीज़। ओके, दूसरा होगा जो कि बहुत ही अनकॉमन, ओके, बहुत ही डिफिकल्ट होता है जिसको समझना, ठीक है, उसको अपन कहते हैं इसेंट्रिक। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है contumely। ओके, कंटेमली, और आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू गिव द आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, ट्रिक बनाओ तो जाने के सेक्शन के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स, हमने आपको वर्ड दिया था ग्रोज। ओके, तो यहाँ पे दो अच्छी ट्रिक बनाई है, गर्ल को रोज नहीं दिया तो ग्रोज करने लगी। ओके, तो पहली ट्रिक बहुत अच्छी थी, दूसरी थी
ट्रिक, बिल्ली को माउस नहीं मिला तो ग्रोस हो गया, ओके। तो इन्होंने इस तरीके से ग्रोस को दो वर्ड तरीके से इन्होंने रिलेट किया है और इन तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज का जो वर्ड है वो है ओब्लिवियन, OBLIVION। इसकी आपको ट्रिक बनानी है फ्रेंड्स, ताकि आपकी क्रिएटिविटी सभी लोगों के काम आ सके फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको एक चीज़ और बोली थी कि आपको सभी वर्ड से लाइन दो लाइंस का फॉर्मेशन करना है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके और आपको अच्छे से याद हो सके। तो राहुल कुमार जी ने और अभय सिंह जी ने काफ़ी अच्छे से लेट किया इनको दो लाइनों में, ओके। सभी मीनिंग को इन्होंने इसमें यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स आपको भी ऐसा ही करना है, जितने आज के आपने वर्ड्स सीखे हैं इन सभी को आपको एक या दो लाइन के अंदर इनको यूज़ करना है, ताकि आप इन्हें लाइफ में कभी ना भूलें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।